गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की क्लास में चैप्टर 14 मेजरमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लेंथ, वेट, डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखिए बच्चों, टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं, ठीक है। वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। We measure temperature in Celsius, Fahrenheit and degrees। हम measure करते हैं temperature को Celsius के अंदर, Fahrenheit के अंदर और degrees के अंदर। देखिए बच्चों, जब कभी आपको fever हो जाता है, ठीक है, या आपके घर में किसी को fever होता है, तो जब वो doctor के पास जाते हैं तो doctor सबसे पहले क्या करते हैं, उनका temperature check करते हैं, ठीक है, body temperature। वो उनके मुंह के अंदर थोड़ी देर के लिए थर्मामीटर को रख देते हैं, मतलब कि जीभ के नीचे या फिर उनके बाह के नीचे, ठीक है। और फिर वो आपको कुछ देर रखने के बाद निकालते हैं और आपको बताते हैं कि आपका बुखार कितना है। देखिए बच्चों, वैसे हमारा नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट में होता है 98.6 फॉरेनहाइट में जब आपका टेम्परेचर होता है तो आप बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ होता। परंतु जब इससे बढ़ जाता है आपका टेम्परेचर, 100 पर पहुंच जाता है, 101 पे पहुंच जाता है, 102 पे या इससे ज़्यादा पहुंच जाता है, तो आपको इस केस में तेज फीवर होता है। आपके शरीर का जो तापमान होता है वो बढ़ चुका होता है, आपका शरीर गर्म होने लगता है, ठीक है, मतलब कि आपको तेज बुखार होता है। इसी तरह बच्चों, हम सेल्सियस के अंदर भी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। सेल्सियस में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री, ठीक है। जब कभी 37 से ज़्यादा ऊपर, 38 या 39 या इससे ऊपर जब जो टेम्परेचर जाता है, तो उस केस में भी आपको क्या होता है, फीवर होता है, तेज फीवर। आपके शरीर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, आपका शरीर गर्म होने लगता है, ठीक है। तो ये जो हम चेक करते हैं ये सेल्सियस में करते हैं, ठीक है। तो यही आपको ये बताया गया है कि हम सेल्सियस, फॉरेनहाइट और डिग्रीज में आपके टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं आपको थर्मामीटर दिखाती हूँ। वैसे तो सभी ने थर्मामीटर देखा ही होगा, आप लोगों के घर पे भी हो सकते हैं और नहीं तो आप डॉक्टर की दुकान पर भी देख सकते हैं थर्मामीटर। देखिए बच्चों, थर्मामीटर कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में हम मात्रा कहते हैं। हैव यू सीन अ पॉली पैक ऑफ मिल्क। क्या आपने मिल्क की पॉली पैक को देखा है। इट शो हाउ मच मिल्क इज देयर इन इट। देखिए, ये पॉली पैक शो करता है कि उसके अंदर कितना दूध है। अगर छोटी पॉली पैक होती है तो उसके अंदर 5 ml दूध होता है, मतलब कि 500 ml दूध होता है। और जब जो थैली बड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर 1 liter दूध होता है, ठीक है। जैसे कि आप पहचान भी सकते हैं, आप लोगों के घरों में दूध आते हैं पॉलीपैक्स वाले, अमूल के दूध लेते हैं, मदर डेयरी का दूध लेते हैं, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। आपको देखने से ही पता लग जाता है कि इसके अंदर 5 ml दूध है और इसके अंदर पूरा 1 liter दूध है। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, ठीक है। ये क्या होता है, दूध की मात्रा होती है। द क्वान्टिटीज ऑफ लिक्विड लाइक मिल्क, वाटर, पेट्रोल एंड ऑयल आर मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। देखिए बच्चों, कोई भी लिक्विड चीज, मतलब कि तरल पदार्थ, ठीक है, उसकी मात्रा को आप मिलीलीटर या फिर लीटर में मेजर करते हैं, नापते हैं। जैसे कि लिक्विड क्या होता है, तरल पदार्थ, जैसे ऑयल, पानी, दूध, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सारा लिक्विड है। और लिक्विड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड को मेज़र करने के लिए लीटर और मिलीलीटर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दूध का तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर पानी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, कई बच्चों के घरों में यूज़ होते हैं कैन यूज़ होती हैं, ठीक है, मिनरल वाटर की, ठीक है, या आप पानी की छोटी बॉटल भी लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 1 liter की बोतल भी आती है, 2 liter की बोतल भी आती है, ठीक है, तो वो लीटर के हिसाब से आता है। पेट्रोल, जब कभी आप अपने पापा के साथ बाहर घूमने जाते हैं और जब वो रास्ते में पेट्रोल पंप पर
जो है अपनी गाड़ी रोकते हैं वहाँ पर, अपना पेट्रोल भरवाते हैं। तो पापा क्या कहते हैं, भाई साहब 5 लीटर पेट्रोल डाल दो या 2 लीटर डाल दो या फिर 3 लीटर डाल दो, ठीक है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि लिक्विड चीज को हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर में मेज़र करते हैं या फिर मिली लीटर में। जब कभी आप ऑयल लेने जाते हैं किराने की दुकान पे, जब आप तेल लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि 2 लीटर की बोतल दे दो या 5 लीटर की बोतल दे दो, ठीक है। तो यहाँ आपको यही बताया गया है कि हर लिक्विड चीज़ को हम लीटर और मिली लीटर में मेज़र करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है 1 लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं, 1000 लीटर। परंतु जब किसी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जैसे कि आपने ट्रक्स देखे होंगे और टैंकर, ऑयल टैंकर जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर 1 लीटर दूध लीटर या 5 लीटर ऐसे नहीं होता, उसमें किलो लीटर के हिसाब से कोई भी लिक्विड चीज़ होती है। जैसे ऑयल ही समझ लीजिए, तो ऑयल है या डीजल है, ठीक है, तो वहाँ पर किलो लीटर के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ की क्वांटिटी, ठीक है, उधर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ को, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसकी, उसको किलो लीटर के हिसाब से देखते हैं। तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे रेनफॉल के बारे में, मतलब कि वर्षा। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट फॉल्स ऑन द रेनी डेज कैन बी मेजर्ड विद अ रेन गेज। वर्षा के दिनों में होने वाली वर्षा की मात्रा को वर्षा मापी से मापा जाता है। रेन गेज मीन्स वर्षा मापी यंत्र। अ रेन गेज मेजर द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। जो रेन गेज होता है, जो वर्षा मापी होता है, वो वर्षा को मापता है मिलीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स में। इट इज़ कीप्ड एंड इक्विप्ड इन एंड ओपन प्लेस अवे फ्रॉम द शेड ऑफ बिल्डिंग और ट्रीज। द अमाउंट ऑफ रेन कोलेक्ट ऑन दैट डे इज मेजर्ड। देखिए बच्चों, ये जो वर्षा मापी यंत्र होता है जिसे हम रेन गेज कहते हैं, इसको हमें कहाँ रखना चाहिए, खुले स्थानों पर रखना चाहिए, ठीक है, या फिर आप इन्हें ऊंची इमारतों पर भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इन्हें पेड़ों की छाया से दूर भी रख सकते हैं, जिससे आप आसानी से वर्षा की अमाउंट, मतलब की मात्रा को अच्छी तरह से रेन गेज के थ्रू मेज़र कर सकें। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो बच्चों आपका आज का होमवर्क है, आपको कुछ यंत्र बनाने हैं, जैसे रेन गेज, थर्मामीटर, क्लॉक। तो बच्चों आप सब अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, इन यंत्रों को बनाएंगे। थैंक यू।